गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में चैप्टर 8 मोटर व्हीकल लॉज का टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है पार्किंग प्लेसेस। तो पार्किंग देखा जाए तो पार्किंग एक मेजर इशू है इंडिया के अंदर। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग स्पेस नहीं है। एज द टोटल नंबर ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ हेड्स पर फैमिली, पार्किंग स्पेस भी नहीं और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर 4 मेंबर्स की फैमिली है तो उनके पास 4 व्हीकल्स हैं, तो जब इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे तो कहीं ना कहीं पार्किंग स्पेस हमें कितना भी हम बना लें कम पड़ेगा। तो हमें अपने पार्किंग के टाइप्स पे फोकस करना चाहिए रेदर देन पार्किंग स्पेस कितना चाहिए हमें, यानी हमें कम से कम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल ऑफ पार्किंग एरिया देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ पार्किंग। तो 2 तरह की पार्किंग होती है, एक ऑन स्ट्रीट पार्किंग और सेकेंड ऑफिस स्ट्रीट पार्किंग। अब ऑन स्ट्रीट पार्किंग क्या होती है? ऑन स्ट्रीट पार्किंग मीन्स एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग पर्पज एट द साइड्स ऑफ द रोड्स। फॉर एफिशियंसी इन पार्किंग सिस्टम द ऑन स्ट्रीट पार्किंग इज डिवाइडेड इन टू 3 टाइप्स। देखिए, ऑन स्ट्रीट पार्किंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो भी रोड के साइड में जो स्पेस अलॉट होता है पार्किंग के लिए उसे हम बोलते हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग। आपने देखा होगा बहुत से कॉलोनीज़ हैं, बहुत से मार्केट एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड के साइड में ही आपको पार्किंग स्पेस अलॉट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, बिल्डिंग के साइड में जो रोड है वो पार्किंग स्पेस के लिए अलॉट की गई है। अब एंगुलर पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग और पैरेलल पार्किंग, ये 3 तरह की पार्किंग है जिसमें सबसे एफिशिएंट पार्किंग को बताया गया है परपेंडिकुलर पार्किंग। तो हम एक एक करके सब पार्किंग देखेंगे। जैसे फर्स्ट है एंगुलर पार्किंग। एंगुलर पार्किंग मतलब कि जो किसी एक एंगल पे पार्क हो, ठीक है। एंगल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंक्लाइंड होमेज, बट इसमें पर्टिकुलर एंगल्स हैं जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, दीज आर द एंगल्स। ओके, द व्हीकल कैन बी ईजिली रिवर्स्ड इफ पार्क्ड एट एन एंगल हैज प्रूविंग एज एन एफिशिएंट पार्किंग सिस्टम इन केस ऑफ वेहिकुलर सर्कुलेशन। देखिए, इसे एफिशिएंट पार्किंग सिस्टम इसे भी कहा गया है एंगुलर पार्किंग को। इसका रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर पार्किंग के कुछ एंगल्स हैं, मतलब ऐसे में 20 डिग्री एंगल पे भी पार्क करेंगे। इसके एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस पार्किंग में जो हमें एक बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि इसमें व्हीकल को रिवर्स करने का स्पेस मिलता है, यानी आप इजीली बैक कर सकते हैं और अपना व्हीकल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर देखें तो आपको बहुत क्लियर होगा, ये एंगुलर पार्किंग का रखिए। अब अगर किसी व्हीकल को बैक करना है तो वो बहुत इजीली बैक करके अपनी कार को निकाल सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड पार्किंग सिस्टम। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर पार्किंग। परपेंडिकुलर पार्किंग उसे कहा गया जो रोड के 90 डिग्री पे पार्क होती है, यानी राइट एंगल पे। इट इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ पार्किंग। अगेन देखिए, जैसे कि ये रोड है, ओके, यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है, अब इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे ये पार्किंग करी गई है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर पार्किंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें परपेंडिकुलर पार्किंग के बाद है पैरेलल पार्किंग सिस्टम। पैरेलल पार्किंग होती है द व्हीकल्स आर पार्क्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, हियर देयर इज नो बैकवर्ड मूवमेंट इन्वॉल्व्ड व्हाइल पार्किंग और अनपार्किंग द व्हीकल, हेंस इट इज द मोस्ट सेफेस्ट पार्किंग फ्रॉम द एक्सीडेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, हर पार्किंग के कोई ना कोई बेनिफिट बताए गए हैं और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। जैसे पैरेलल पार्किंग है, पैरेलल पार्किंग वो होती है जो रोड की लेंथ के अलोंग पार्क की जाती है, ओके, नॉट परपेंडिकुलर। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें रोड के परपेंडिकुलर पार्क की गई है, दिस इज़ अलोंग द लेंथ। अब अगर लेंथ के अलोंग पार्क होगी तो एकदम आप देखिए व्हीकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है। अब अगर आप इमेजिन करें किसी व्हीकल को हमें निकालना है तो कहीं ना कहीं उसे बैक करने की जगह नहीं मिल रही, ठीक है। तो
ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है पैरेलल पार्किंग में। अगर आप देखें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस रहती है इसमें, ये पार्क हो गई, अब इसको कार को निकालने में कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस थोड़ी सी सफ़र करनी पड़ सकती है। बट इसमें बेनिफिट ये है कि जो रोड के ट्रैफिक को ये किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन स्ट्रीट पार्किंग, जिसमें हमने थ्री टाइप्स ऑफ पार्किंग पढ़ा है। फर्स्ट इज परपेंडिकुलर, एंगुलर एंड पैरेलल पार्किंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्किंग है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग मीन्स व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑफ द स्ट्रीट, मीन्स स्ट्रीट में पार्क नहीं हो रहा, जो रोड है उसके अलॉन्ग पार्किंग नहीं है। अब इसमें कहीं ना कहीं पार्किंग लॉट होते हैं, बाईपास रोड होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गैरेज होते हैं, पार्किंग लेन्स होती हैं, तो दीज आर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। अगर आप देखें पिक्चर में, जैसे पार्किंग लॉट आपने देखेंगे, आपने किसी मॉल के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम देखा होगा, तो दैट इज़ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, ठीक है। और आपने सोसाइटीज़ में जो पार्किंग सिस्टम देखा है, कुछ मॉल्स में इस तरह का पार्किंग सिस्टम भी है, जिसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गैरेज बोलते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल दीज आर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। अब ये कुछ रिकमेंडेशन है फॉर द पार्किंग स्पेस फॉर अर्बन एरियाज, जैसे कि प्लॉट एरिया अप टू 100 स्क्वायर मीटर हम ले सकते हैं। इसमें नो प्राइवेट और कम्युनिटी पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड। अगर 101 टू 200 है तो ओनली कम्युनिटी पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड। इसी तरीके से 1000 प्लस स्क्वायर मीटर है तो मिनिमम 1/6 ऑफ द ओपन एरिया शुड बी ईयरमार्क फॉर पार्किंग। तो दीज आर द पार्किंग स्पेसेस, ठीक है, जो हमें कितना स्पेस रिकमेंड होता है। कुछ प्रोविजंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हम कुछ पार्किंग लॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पार्किंग लॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें, ऑन ईच पार्सल ऑफ लैंड डेवलप्ड फॉर नॉन रेजिडेंशियल यूजेस लॉट्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। देखिए पार्किंग स्पेस में कहीं ना कहीं जो सरफेसिंग होती है, यानी जो आप फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट शुड बी वेदर रेजिस्टेंट, मीन्स कि वो क्लियर होना चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, यूजेबल कंडीशन में होना चाहिए एवरी टाइम, ठीक है। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पार्किंग लॉट को मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ओनर की होती है। द लॉट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सेस टू अ स्ट्रीट और एल। ग्रेडिंग, पार्किंग लॉट को ग्रेड, मतलब पार्किंग लॉट्स जो भी होते हैं उनमें ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्किंग लॉट में पानी भर गया तो फिर ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं पार्किंग करने में सफ़र करना पड़ सकता है। थर्ड है लाइटनिंग। अगर आप मॉल्स में, जो कि हमने ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की बात की थी, दीज आर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया मॉल में होती है, सोसाइटीज़ में होती है, पार्किंग लेन्स बनी होती है। अगर आप देखें कहीं पे ओपन एरिया होता है तो वहाँ पे वो वहाँ पे पार्किंग स्पेस होता है, जहाँ पे आपको एक टिकट मिलता है पार्किंग का, और उस पे आप लेन्स के अंदर पार्क कर देते हैं, ठीक है। तो और जो मॉल के अंदर होती है अंडरग्राउंड पार्किंग, तो वहाँ लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। साइज़ ऑफ स्पेसेस, साइज़ की रिकमेंडेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट जो स्टैंडर्ड पार्किंग स्पेस है वो 9 feet wide 20 feet long होना चाहिए। बट साइज वेरी कर सकते हैं फॉर व्हीकल्स दैट आर लार्जर और स्मॉलर दैन द स्टैंडर्ड साइज। तो दीज ऑल अबाउट पार्किंग स्पेस, कि हमें पार्किंग के टाइप्स हमने पढ़े इस लेक्चर में, और पार्किंग जैसे ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के अंदर भी जो पार्किंग की वेरियस टाइप्स थे वो पढ़े हमने। तो नेक्स्ट हमने उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, जैसे कि पार्किंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका फ्लोर सरफेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इस तरह का
फ्लोर होना चाहिए जो कि क्लीन रहे हमेशा, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, प्लस लाइटनिंग होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।